नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन है ज़्यादा पुराना नहीं है, ये पिछले साल दोस्तों लॉन्च हुआ था। दोस्तों आज मैं आपसे इसके अपडेट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपने दोस्तों देखा होगा कि हमारे दोस्तों जो ए सीरीज है उनके दोस्तों ये पुराने फ़ोन हैं जो काफ़ी पुराने थे, उनमें दोस्तों हमें नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। चाहे दोस्तों वो सिक्योरिटी पेज लेवल अपडेट हो या दोस्तों वो एंड्रॉयड 1 का हो, एंड्रॉयड UI का हो, कुछ भी हो, हमारे ए सीरीज में दोस्तों पुराने जो ए सीरीज है उसमें दोस्तों हमें नए अपडेट देखने को मिलते रहते हैं टाइम पर। बट दोस्तों हमारी जो एफ सीरीज आ रही है, एफ सीरीज का जो F41 है जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ोन चल रहा है, काफ़ी लोगों के पास है, दोस्तों इस फ़ोन में अपडेट काफ़ी लेट आते हैं। ऐसा नहीं है इस फ़ोन में अपडेट नहीं आते हैं, दोस्तों काफ़ी लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि जैसे दोस्तों A50 और A30 में दोस्तों अपडेट आया था छोटा मोटा, वो दोस्तों इस फ़ोन में कब आएगा, क्योंकि दोस्तों अभी भी ये फ़ोन का जो छोटी पिछले लेवल है वो 1 मार्च का है। जबकि दोस्तों A20s जो दोस्तों इससे पुराना फ़ोन है, काफ़ी पुराना, उसमें भी दोस्तों हमें नया अपडेट दे दिया गया है जो दोस्तों 125 MB समथिंग का है। तो दोस्तों काफ़ी लोग इंतजार में बैठे हैं कि इस फ़ोन में अपडेट ये कब आएगा और आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए सीरीज जो होती है दोस्तों वो सैमसंग की काफ़ी पुरानी सीरीज है। दोस्तों कंपनी वाले सैमसंग वाले होते हैं वो पहले अपनी ए सीरीज को कवर कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों एफ सीरीज का नंबर आएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें अपडेट नहीं आएगा, इसमें भी दोस्तों अपडेट आएगा, बट इसमें दोस्तों कुछ टाइम लग रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के लास्ट तक इसमें दोस्तों एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों हमारे जो थोड़े बहुत बक्स हैं, जिसमें दोस्तों हमारा कैमरा कुछ लैगिंग करता है और जो दोस्तों कैमरे में कुछ कमी आ रही है दोस्तों वो ही फिक्स हो जाएगी। प्लस दोस्तों इसकी बैटरी पहले से थोड़ी वीक हो गई है, जब से इस फ़ोन में दोस्तों एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है उसके बाद से, दोस्तों वो भी कमी इसकी फिक्स कर दी जाएगी। प्लस दोस्तों आपका सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों वो भी बढ़ा दिया जाएगा, तो कुछ टाइम लगने वाला है दोस्तों इस अपडेट में। बट दोस्तों इस फ़ोन में अपडेट आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। इसमें इस फ़ोन में दोस्तों A50 और A30 की तरह अपडेट आएगा, बट दोस्तों कुछ टाइम बाद आएगा। तो दोस्तों जिन लोगों के पास F41 फ़ोन है वो ज़्यादा परेशान ना हो, उनके फ़ोन में भी दोस्तों नया अपडेट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।